अस्सलाम वालेकुम। नानी साज में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मेरे किचन में बन रहा है चपली कबाब। ये मैंने आधा किलो खैमा ली हूँ, इसको अच्छा धो के छन्नी में डाल के उसका पानी निथरने रखी हूँ। उसके लिए सूखा खैमा लेना, मशीन का निकला हुआ खैमा है ये। उसके लिए दो प्याज मीडियम साइज की, उसका मैंने पानी निकाल कर उसको ऐसी सुखाई। दो प्याज, एक टमाटर, हरे मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना, इन सबको मैं तोड़ के डाल। हरे मिर्ची आप अपने हिसाब से डालिए, आप कितना तेज खाते हैं। बच्चों के लिए बनाना रहा तो थोड़ा कम डालिए, जरा तेजी अच्छी दिखती है। वन टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये आधा किलो खैमा था। वन टीस्पून भुना कुटा धनिया, वन टीस्पून फुल। वन टीस्पून कुटी लाल मिर्ची, मैं हरी मिर्ची भी डाली हूँ इसमें। गरम मसाला हाफ टी स्पून, हाफ के पाव टी स्पून। भुना कुटा जीरा वन टी स्पून। ये है अनारदाना पाउडर वन टी स्पून। इसको मैंने बारीक पीस ली हूँ, पाउडर भी मिलता है इसका। वन टीस्पून नमक, फोर टीस्पून, चार टीस्पून भुने चने का पाउडर, इसको मैंने मिक्सी में पाउडर बना ली हूँ। पाउडर बना के इसको मिक्स करूंगी, अच्छा मिक्स करूंगी। अभी और चने का पाउडर लगेगा तो डालूंगी, नहीं तो नहीं। वन टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, भूल गई थी मैं। वन टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची, वन टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची, ये कलर के लिए। मिक्स करके दिखाऊंगी। ये आधा किलो खैमे में मैंने 30% फैट डाली हूँ, चर्बी पीस के डाली हूँ। ये डालना जरूरी है, इससे ही कबाब अच्छे जूसी जूसी बनेंगे। एक अंडा डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करके एक घंटे के लिए रखूंगी मैरिनेट के लिए, फिर आपको बताऊंगी कबाब बनाने के टाइम पर। देखिए खैमा अच्छा मैरिनेट हो गया है, अब मैं इसके कबाब बनाऊंगी। थोड़ा हाथों को तेल लगा के इसे सराउंड, ज़्यादा बड़े भी नहीं ज़्यादा छोटे भी नहीं, क्योंकि श्रिंक हो जाते तलने के बाद, तलते तलते ये साइज के बनाऊंगे। इसके ऊपर एक टमाटर का स्लाइस रख के फिर इसे तलूंगी। देखिए देखिए मैं इसको फ्राई करूंगी मीडियम आंच।
मीडियम आंच पर, क्योंकि अंदर से भी पकना है, खैमा कच्चा खैमा है, ऐसे धीमी आंच पर तलूंगी। देखिए पक कर तैयार हो गया है, अब मैं इसको प्लेट में सर्व करूँगी। देखिए बड़े थे श्रिंक हो गए, ऐसे छोटे श्रिंक हो गए। लीजिए चपली कबाब बनकर तैयार हो गए हैं, आप भी इसी तरीके से बनाइए खाइए। मुझे दुआओं में याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।